ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਮਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। आणि लेडीजनी जेवण केल्यानंतर तरी बाहेर खाल्ली ग्रुप मध्ये येतील। अपने लिए भोजन करने के बाद वो या भोजन करने के पहले वो मेडिकल की भी व्यवस्था या की है, किसी को कोई भी जो भी तकलीफ हो गया
नहीं होगी तो भी ट्रीटमेंट बोल के उनके पास से मेडिसिन मिलेंगी, वो मेडिसिन टोटल फ्री होगी। ये इनकी मेडिकल सोसाइटी बहुत अच्छा काम करती है। सर महिला ने जीवाला बसाओ, पुरुष ने थोड़ा सा गर्दी होने से बाहर थमाओ प्लीज। खुर्चा महिलांना खुर्च्या द्याव्यात, कारण पुरुषांनी आता थोडस फिरायला मागायचं। एवढ्या वेळ आपण गाडीमध्ये बसलेले आहोत, आपण तर महिलांना दुय्यम दर्जा देतोच, यावेळी फक्त प्रथम दर्जा देऊया, नंतर पुन्हा आपलं सुरूच आहे। लेडीज फर्स्ट, ते आजही त्यांच्यामुळे पोलीस खात्यामध्ये गणपतीबद्दलचे प्राईजिशन सुरू झालेलं आहे, त्याच्यावर मराठवाडा राबवला जातो, त्याचं एकमेव श्रेय पंढरीनाथ बोकारे सरांना आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय ऋणी आहे। गुरुद्वारे के मौजूदा मुखी संत बाबा नरेंद्र सिंह जी एवं संत बाबा बलविंदर सिंह जी की बड़ी असीम कृपा रही इस दमहेड़ी में आने में। ये बालाजी है, इनका निक नेम बाला है और इनका नेम है सरबजीत सिंह जी, दमहेड़ी वाले वैसा इनको हम लंगर वाले बोलते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं, साल भर में मेरे को लगता है कि 6 महीने ये सेवाएं करते संगत की। ये जो बुलाया इन्होंने, ये कोई ऐसा ही बुलाया नहीं कि चलो खेती खेती वाला है, अच्छी खेती होती है, तो ऐसा नहीं है। इनके इसमें मैं इनके पाषाण को भी नहीं भूलता, इतनी इनकी सेवा है। यू नो जहां पर भी बाबा जी बोले इनको कि बालाजी कल हाजिर हो जाओ, तो ये खुद का घर इनके हवाले करते भाभी के, और 4-5 बच्चे निकलकर बाबा जी जहां बोले वहां हाजिर हो जाते हैं। जलजीरा जो मिलता है ना अपने को, पैकिंग मिलता है, तो इनका एक बार जलजीरा पीने की कोशिश करो हमारे हजूर साहब में, जहां भी लंगर लगेगा वहां तो तुम बोलेंगे ये कहां लग रहा, फिर कभी कभी लग रहा क्या। तो इतना बढ़िया जलजीरे का लंगर इन्हों लगाते हैं, जो तुम रेडीमेड पीते है ना वो कुछ नहीं इनके सामने। इसके पहले आपने काफी बार ग्रुप में इन्हीं के बारे में बताया है ना। हाँ, तो ये बाबा नरेंद्र सिंह और बाबा बलविंदर सिंह की हुक्म से ये लंगर की सेवा करते हैं। परसों ही मैं जब इनके घर आया था यात्रा का निवेदन करने के लिए, जब भी बाबा जी का बात हुआ इनके साथ, बाबा बलविंदर सिंह जी बोले इस संगत को कुछ कम नहीं गिरना चाहिए। ये पार मोटी गोष्ट है, बहुत बड़ी बात है इनके अपने लिए और बालाजी के लिए भी बड़ी बात है। बालाजी का भी काम बहुत अच्छा है, जब इतने संगत को इन्हों खाना खिला रहे और इनको कोई ये नहीं है कि आपने बोलना चाहिए कि धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा खाना हुआ, ये बोलते गुरु जी खुश हुए। बाबा नरेंद्र सिंह जी ने मेरे को परसों बिठा के बटा बोला कि बोकारे संगत को खुश करने की कोशिश मत करना यात्रा में, ये कभी खुश नहीं हो सकती, आप क्या करो सेवा और सिमरन करो। देखो लाइट आ गई, बोले सोनी हाँ। सर श्रीकाल जी, संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जय। नानक साहिब फाउंडेशन की ओर से घुमान दर्शन यात्रा पंजाब आई है, ये 8वीं यात्रा है। संत बाबा नामदेव जी ने महाराष्ट्र और पंजाब में भाईचारा बढ़ाने का कार्य 750 वर्ष से पूर्व किए हैं। पंढरपुर से पंजाब तक संत शिरोमणि भगत नामदेव जी ने भक्ति संप्रदाय का विस्तार किया, प्रसार किया और ये भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। संत नामदेव महाराज जी का जन्म 26 अक्टूबर 1270 और उनका समाधि का काल है 3 जुलाई 1350। वारकरी संप्रदाय में संत श्री नामदेव महाराज का जो आयुर्मान है, जो वयोजो है उनका, वो 80 साल जिए है। संत महाराष्ट्र से पंजाब तक भक्ति विचारों का उन्होंने प्रसार किए है। इस विचारों में मराठी में संत नामदेव जी के 2500 अभंग लिखे है। मराठी में जो लिखा है उसको अभंग बोलते हैं और पंजाबी में भगत नामदेव जी ने 61 पद लिखे है, गुरु ग्रंथ साहिब में उनका समाविष्ट है। भगत नामदेव जी ने
अलग अलग के 18 रागों में पंजाबी में लेखन किया है। पंजाब की धरती ही बहुत समृद्ध संपन्न हुई है। संत नामदेव जी महाराज को ये भूमि में बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त हुआ। इसीलिए महाराष्ट्र छोड़कर बाबा जी ने पंजाब में भाईचारा का संदेश दिया। इस पंजाब में उस समय 13वें शतक में जो इस्लामी आक्रमण हो रहे थे, हुमान परिसर में जो भी इस्लामी आक्रमण हो रहे थे, जो हिंदू लोगों का या ठिकाने कत्ल हो रहा था, उनका या ठिकाने धर्म से इस्लाम में ले जाने का प्रयास हो रहा था, इस धरती में आकर संत नामदेव जी ने इस भूमि में आकर उनको धैर्य से जीने का संदेश दिया। घुमान नगरी में, घुमान परिसर में बाबा नामदेव जी 20 साल रहे। उन्होंने भाईचारा संदेश दिया, स्त्री पुरुष समानता का संदेश उन्होंने दिया। हमारे महाराष्ट्र में जो वे अलग अलग जो कास्ट जो है, जिसे अपन वर्णभेद कहते हैं, वारकरी संप्रदाय ने ये वर्णभेद को मिटाया है। जो अलग अलग जाति से, मराठी में उधर 18 पगड़ जातियां बोलती है, वे अलग अलग जाति से संत नामदेव जी ने जो अलग अलग संत थे उनके संत, उनको संत मेला ऐसे कहते हैं, जो वेगवेगे अलग अलग कास्ट जाति से थे उनको सब मिलाकर ये बड़ा सांस्कृतिक कार्य किया है भक्ति मार्ग का। उन्होंने बहुत बड़ा पैमान कर भाईचारा बढ़ाने का खूब प्रयास किया है। उन्हें 80 साल आयुर्मान प्राप्त हुआ। ये 80 साल में बाबा नामदेव जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। वही कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए नानक साई फाउंडेशन के चेयरमैन श्री पंडरी जी बोकारे जी और सभी इस फाउंडेशन में कार्य करने वाले सभी संगत के पंजाब की धरती में आकर नतमस्तक हुई है। दरबार साहब अमृतसर में पहुंचे, नतमस्तक हुए हैं। उसके बाद गोविंदवाल साहब गुरुद्वारा में नतमस्तक हुए हैं, नतमस्तक होकर नमन किया है संत विचारों का। उन्होंने नमस्कार किया है। हम बहुत बड़ा योगदान नामदेव जी का रहा। धन्यवाद। सत श्री अकाल। सतनाम वाहेगुरु। संत नामदेव जी महाराज की जय।